यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया रिकॉर्ड बनाया। बता दें कि लगातार 7 वर्ष 148 दिन सीएम बनने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। सीएम से अखिलेश, मुलायम और मायावती भी पीछे हो गए। यूपी में बताया जा रहा है कि योगी सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बन चुके हैं। योगी के नेतृत्व में पार्टी की दूसरी बार सरकार बनी। नोएडा न जाने का भ्रम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा था और नोएडा जाने से कुर्सी चले जाने का भी मिथक भी तोड़ा। तो देखिए कई रिकॉर्ड के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कहा जा रहा है कि नोएडा न जाने का भ्रम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा था और कहा जाता है कि नोएडा जाने से कुर्सी चली जाने वाली का मिथक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है। ये बड़ी खबर लखनऊ से है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड कर लिया है। हाँ बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब दोबारा शपथ ली थी 25 मार्च को, तो ऐसे में अब एक नया रिकॉर्ड उसी समय बनाया हुआ था, क्योंकि कांग्रेस के इतिहास के बाद से लगातार ऐसा कोई भी सीएम नहीं रहा, चाहे नेताजी रहे हों, चाहे फिर मायावती बसपा की प्रमुख मायावती रही हों, या फिर अखिलेश यादव जी रहे हों। नेताजी पूरे कार्यकाल में अगर पूरे जीवन की बात करें तो 3 बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो 4 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन रिपीट लगातार मतलब जो है कि अगर ये कहा जाए कि दूसरा कार्यकाल कंटिन्यू अगर करने वाला कोई रहा है तो नारायण दत्त तिवारी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल में नाम जुड़ता है। और जिस तरीके से उन्होंने सेकंड बार शपथ ली है, तो ऐसे में 38 साल का पुराना रिकॉर्ड जो कांग्रेस के खेमे में था, कांग्रेस के खाते में था, वो रिकॉर्ड टूटा था। तो ऐसे में आज से 7 वर्ष 148 दिन पूरे करने वाले इकलौते पहले सीएम योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं, जिन्होंने यूपी के कार्यकाल में इतना लंबा समय जो है कहीं ना कहीं दिया हुआ है और लगातार वो सत्ता पे काबिज हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर वो प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। अविभाजित उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बाद अगर कोई बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं। इसके पहले ये रिकॉर्ड नारायण दत्त तिवारी के पास था। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से टूट करके बना था, तब भी नारायण दत्त तिवारी ही यूपी के सीएम हुआ करते थे, लेकिन ये रिकॉर्ड अब सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में है और ये रिकॉर्ड उनके पास है और उन्होंने बनाया है। एक मिथक और तोड़ा है नोएडा जाने से, चाहे बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की या तत्कालीन मुख्यमंत्री की बात करें या समाजवादी पार्टी के वर्तमान में मुखिया अखिलेश यादव जी की बात करें, ये लोग नोएडा जाने से कतराते थे, वहाँ के सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही करते थे। चूँकि एक मिथक था, एक ये भ्रम था, ये कहा जा सकता है कि किंवदंतियाँ थीं ऐसी कि अगर जो नोएडा जाता है वो सत्ता में वापस नहीं आता, ऐसी किंवदंतियाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हुआ करती थी। और इसका ये मिथक लंबे समय से बसपा सुप्रीमो कहीं ना कहीं पाल के उनके दिमाग में यह रखा हुआ था, इसलिए जैसे वो 4 बार की मुख्यमंत्री रही लेकिन नोएडा नहीं जाती थी। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी उस पूरे घटनाक्रम को कंटिन्यू रखा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस घटनाक्रम को तोड़ा, उस मिथक को तोड़ा और जो किंवदंतियाँ थी दिमाग में लोगों के, उसको उस भ्रम को हटाया और खुद 1-2 बार नहीं दर्जनों बार नोएडा पहुँच करके वहाँ के कार्यक्रमों में शिरकत की है। तो एक नया रिकॉर्ड सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में लगा हुआ है और आज 7 वर्ष 148 दिन का जो समय है वो पूरा किया है और वो दूसरे सीएम हैं और लंबा समय गुजारने वाले पहले सीएम बन चुके हैं। बिल्कुल संजय, कई सारे मिथक तोड़े, एक ऐसी छवि उन्होंने बनाई जिस तरीके से देखा जाता है सख्त प्रशासन की छवि है उनकी, इतनी लोकप्रियता बढ़ी। और देखिए 2017 की अगर बात की जाए, उसके बाद 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, एक ऐसा नाम मिला जिसके बाद से उनकी सत्ता में वापसी हुई, बाबा बुलडोजर। अब बिल्कुल 2017 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस टाइम पर दूर दूर तक कहीं भी इस नाम की चर्चा नहीं थी और ना ही रेस में अगर बात करें तो इस रेस में कहीं पर भी योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं था। मनोज सिन्हा, यहां तक कि बाबा बनारस में जाकर के उन्होंने पूजा पाठ भी की थी, वहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद ये उम्मीद थी कि जाकर के उनको सीएम का ओहदा मिलेगा। दूसरी बात करें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कौशाम्बी से आते हैं, उन्होंने जो जाकर के अपनी नेम प्लेट तक लगा थी लोकभवन में जो नया मुख्यालय बना हुआ है खास करके यूपी गवर्नमेंट का और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ये अखिलेश यादव जी का बनवाया हुआ था, वहां पर उन्होंने नेम प्लेट भी लगा ली थी। लेकिन अचानक जब इस नाम की घोषणा होती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होती हैं। 17 मार्च 2017 का वो दिन था जब उन्होंने शपथ ली थी और उसके बाद से निरंतर उनकी छवि में बदलाव हुआ है। और अब बात करें अगर तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अगर सबसे ज़्यादा डिमांड
किसी की भी पूरे प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों में की बात करें तो सबसे ज़्यादा योगी आदित्यनाथ के चुनाव में प्रचार होती है, प्रचार में मांग होती है, चाहे लोकसभा की बात कर लें या फिर किसी भी स्टेट के विधानसभा चुनाव के आम चुनाव की बात कर लें, उनमें सबसे ज़्यादा रैलियाँ प्रधानमंत्री के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की लगती हैं। बाबा बुलडोजर के नाम से आपने देखा होगा 22 के चुनाव के दौरान तमाम जगहों पर चुनाव प्रचार के दौरान बुलडोजर को भी रखा गया, वहाँ पर बुलडोजर लगाए जाते थे। उसके बाद जब चुनाव परिणाम 22 में बीजेपी के पक्ष में आए तब भी बुलडोजर का ही दौर चला और बुलडोजर को लेकर प्रचार प्रसार किया गया। अन्य स्टेट भी बुलडोजर की सरकार और बाबा बुलडोजर की नीतियों को फॉलो कर रहा है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हरियाणा की बात करें, वहाँ पर भी बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है। हिमाचल की में जब इसके पहले गवर्नमेंट बीजेपी की थी तो वहाँ पर भी, इस असम की बात करें वहाँ पर भी बुलडोजर का इस्तेमाल होता रहा है। तो ये एक बड़ा प्रचलित ट्रेंड बन गया है बाबा बुलडोजर के नाम से और उनकी नीतियों के नाम से। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ।